अरे हम ऊपर कैसे उड़ रहे हैं यार, एंड ये फॉर्च्यूनर भी उड़ रही है, पूरी जमीन ऊपर जाने लगी। अबे ये क्या हो रहा है, और अरे ये नए ऑप्शंस का क्या काम। तो भतीजो आज फाइनली हमें जिसका इंतजार था वह अपडेट आ चुका है। पहले हम जब रोते थे ना किसी चीज को बनाते हुए, 10 बार फेल होते थे, बिगड़ जाती थी। ऐसा नहीं होगा क्योंकि अब हम इस अपडेट में आसानी से कुछ भी क्राफ्ट कर सकते हैं। वैसे अपने इम्पोर्टेंट अपडेट से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे गेम में 2 मेजर अपडेट और भी हुए हैं, जिसमें हमारा लोगो चेंज हो चुका है। यार पहला वाला अच्छा लगता था नहीं, एंड हमारा नाम भी और बड़ा कर दिया गया। यार थोड़ा यार मैंने सोचा थोड़ा चेंज करके अच्छा नाम रख दो यार, शॉर्ट में IVD लिख देते, लेकिन उन्होंने और बड़ा नाम कर दिया, वो पीछे से गेम भी लगा दिया। कोई नहीं यार, अगला अपडेट आपको बहुत खुश कर देगा क्योंकि हमारे गेम में ऐड हो चुके हैं ये XYZ। अब ये XYZ क्या है, XYZ ये है मूव करने के लिए। मतलब कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को स्पॉन करते हैं तो पहले हम ऐसे तुक्के से इधर उधर हिलाते थे, एंड कभी हिलता था तो कभी कहीं और घुस जाता था। यार मतलब समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, लेकिन अब हम इसे कहीं भी खड़े होकर कहीं से भी मूव कर सकते हैं, बस एक बार क्लिक करना, एंड देखो ये इधर से इधर और इधर से इधर ले जा सकते हैं। मैं तो यहाँ पर अपने घर की सीढ़ियाँ भी बनाने लगा। वैसे गाइस अब सीढ़ियाँ बनाते बनाते मैं एक बात और आपको बता देता हूँ कि मूव करना उतना अच्छा नहीं लगा जितना हम इसे रोटेशन कर सकते हैं। यार पहले कोई रोटेशन करने का ऑप्शन ही नहीं था, लेकिन अब हम अपने गेम में किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी प्रॉप्स को जो हम स्पॉन करते हैं उसको रोटेट भी कर सकते हैं। ये सबसे अच्छा लगा यार। अगर आपको अच्छा लगा तो इसी बात पर लाइक कर दो वीडियो को। तो मैंने आपको सारे अपडेट बता दिए हैं, टोटल 4 अपडेट्स आए हैं, जिसमें एक अपडेट में तो 2 अपडेट है, रोटेशन करना एंड ऑब्जेक्ट्स को मूव करना है। तो आपको कौन सा अपडेट सबसे अच्छा लगा? मुझे पसंद आया भाई ये रोटेशन एंड मूव वाला, एकदम मेरा दिल से मेरा फेवरेट बन गया ये अपडेट। एंड अंत में आपको जो अपडेट अच्छा लगा हो इसमें, एंड एक बार और जाके उसको कमेंट कर दो। बाय बाय।